आप सभी सभी बच्चे अच्छी तरह से हैं और अपना काम तो कर रहे हैं आप बेटा, लेकिन साथ साथ अपना ध्यान भी रखना है। और अब फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, है ना। सब दिवाली के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं मार्केट पर। अगर मार्केट जा रहे हैं बेटा, पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, चाहे आप अकेले जा रहे हो वैसे ही, ठीक है, आपने मास्क जरूर पहनना है। और पेरेंट्स को भी कहना है अपने कि सबने मास्क पहन कर ही बाहर जाना है, ठीक है, और वहां से आकर हैंड वॉश जरूर करने। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करेंगे आज की। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। होल्ड योर हैंड्स। इस पेज में आज काम करेंगे, ओपन कर लीजिए सभी। पेज नंबर है 32 और टॉपिक क्या है, पेपर प्लेट पैंडा। पैंडा देखिए, पैंडा पहचानते हैं सभी बच्चे, किसे कहते हैं? ये देखिए, पैंडा एक तरह का वाइल्ड एनिमल होता है, जंगल में रहता है, और उसे आप कुछ बच्चों ने जूम वगैरह में भी देखा होगा, है ना। उसे ग्रीनरी बहुत पसंद है, और वो क्या खाता है, हरी हरी पत्तियाँ और बांस खाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेड़ों के ऊपर सोता रहता है। लेकिन कितना प्यारा लगता है देखने में, है ना, सुंदर है ना। पत्तियाँ खाना उसे बहुत पसंद है, और वो और क्या खाता है, बांस की छोटी छोटी डंडियाँ होती है, वो भी उसे पसंद है। तो अब सभी बच्चे पांडा अच्छी तरह से पहचान गए बेटा, कैसा दिखता है वो, है ना। तो चलिए हम भी अपना ये जो पांडा वाला पेज है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो हमें इसमें चाहिए, वो हमें चाहिए 2 पेपर प्लेट्स। तो आप ले लेंगे पेपर प्लेट, उसके बाद इन दोनों पेपर प्लेट को हमने इस तरह से यहाँ पर पेस्ट करना है। ये अच्छी तरह से आप थोड़ा सा टाइम देंगे बेटा इसको पेस्ट होने के लिए, और उसके बाद फिर हमें ब्लैक शीट चाहिए है। ब्लैक शीट से हम शेप जो बनाएंगे अपने, इस तरह से हमें ब्लैक पेपर लेना है, और इसमें हम ये सारे शेप्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, पैर के लिए, हाथ के लिए, और इसके जो कान हैं, आईज हैं, सब चीजें जो हैं बेटा हमने इस तरह से पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे ब्लैक पेपर पे, और उसके बाद फिर उनके कटिंग करेंगे हम। तो कटिंग करने के बाद ये देखिए जो कटिंग हमारे पीसेस हैं वो इस तरह से हैं। ये दो हमारे इसके पैर हो गए हैं, ये आपके जो पैंडा है इसके ये हाथ हैं, और ये दो इसके कान हैं। तो अब हम इनकी पेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे आप उल्टा करके रख लीजिए, और उसके बाद हम इसकी पेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप ये पैर जब आप पेस्ट करेंगे बेटा, तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। इससे क्या हमारा ये पेस्टिंग में
इजी होता है। इसी तरह से हाथ भी हम इसके लगाएंगे, पैर से थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर लेकर हमने इसमें हाथ लगाना है। और आप एक बार इसे सीधा कर भी देखेंगे कि जो हमने पेस्टिंग की है पैरों की, वो हमारी सही पोजीशन में है या नहीं है। ये जब ड्राई हो जाएगा बेटा आपकी पेस्टिंग, तो हमने इनको सामने से भी ऐसे फोल्ड करना है, जो हमारा ब्लैक है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम अपनी पेस्टिंग पूरी करेंगे। एक यहाँ आएगा हाथ हमारा इसका पांडे का, और एक इस साइड। ये दो हाथ हो गए इसके। अब हम इसमें कान लगाएंगे। कान के लिए भी बेटा आप ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे तो वो आपका अच्छे से पेस्ट हो जाता है। डिस्टेंस आप थोड़ा सा रख देंगे दोनों जो हमारे कान है इसके पांडा के, बीच में थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ये इस तरह से हमारा इसका अभी बॉडी रेडी हो गई है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसके फेस में काम करना है। फेस के लिए हमें क्या चाहिए, आईज बनानी है। ये देखिए इस तरह से ब्लैक सर्कल, उसके ऊपर व्हाइट सर्कल, और फिर एक छोटा सर्कल हमने लगाया है। तो ये देखिए आप, ये ब्लैक सर्कल है और इस पे हम ये जो हमने तैयार की हुई है इसको हम यहाँ ऐसे पेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी दोनों आंखें यहाँ लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी आईज हो जाएंगी बेटा। और उसके बाद फिर हम, अब क्या है हमारा, हम इसकी नोज, ये जो है इस पे नोज बनाएंगे, पेस्ट करेंगे। वो भी हमने ब्लैक पेपर से कट की हुई है, उसे हमने यहाँ पेस्ट करना है। दोनों आईज के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हमने यहाँ पर इसे पेस्ट करना है, और बाद में हम स्केच पेन के साथ इसका ये जो बना हुआ है रेड स्केच पेन से बना लेंगे। और उसके बाद ये जो है, अब क्या है हमारा, ये हो गया। अब जो पैर मैंने आपको कहा था इसके, जो हम ऐसे मोड़ेंगे इस पे, हम इसके नेल्स जो दिखाए हुए हैं बेटा व्हाइट, वो हम लगाएंगे। पैर आप ऐसे मोड़ लीजिए इसके थोड़े, और इस पे हम लगाएंगे इसके व्हाइट नेल्स। तो उसके लिए इस तरह से छोटे व्हाइट सर्कल्स हमें चाहिए। सर्कल्स आप छोटे छोटे कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हम इसमें पैर में लगा देंगे। बिल्कुल आराम आराम से आप काम करेंगे बेटा, वन बाय वन सारी चीजें आपको करनी है। और इस तरह से जो इसके नेल्स हैं वो हमारे व्हाइट यहां पर पेस्ट हो जाएंगे। ये तो इस तरह से ये हुआ बेटा हमारा। अब क्या रह गया है, इसका डेकोरेशन रह गया थोड़ा सा हमारा। एक तो इस वाले पार्ट में हम थोड़ा सा, आप और भी कोई कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे तो व्हाइट ही आपकी प्लेट है उससे ठीक होगा। और अब है ये बो जो इसने पहन रखी है,
तो वो हम लगाएंगे यहाँ पर। और वो कैसे बनानी है, इस तरह से कोई भी आप कलरफुल पेपर या डिजाइन का पेपर ले लीजिए और जो भी है आपके पास किसी भी कलर का, और उसे फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे और इधर से इसे कट कर देंगे। ये ऐसा शेप आ गया हमारा बेटा। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ये जो हमारा है ऐसे कटिंग निकला है उससे हम बीच में इस तरह से रिबन की तरह यूज करेंगे, तो इस तरह से आपकी ये यहाँ पर टाई बन जाएगी। तो ये हमारी बनी हुई है, इसको हम पेस्ट करते हैं। ये देखिए होगी इसकी डेकोरेशन। अब क्या रहा हमारा, रहता है हमारा ये रह रहा है इसका मुंह जो है रेड कलर से। पेस्टिंग के लिए बेटा आपको थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा, तो आपने उसको करना है उस तरीके से। और अच्छी तरह से स्केच से या मार्कर से जो भी आपके पास, आप उसका मुंह ऐसे बना देंगे। और इस तरीके से हमारा जो ये पेपर प्लेट का पैंडा है बेटा वो रेडी हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे भी करेंगे इसे तैयार। जब आपका पैंडा तैयार हो जाए तो आप सभी बच्चे अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश कर लेंगे और अब अगली क्लास में मिलेंगे बेटा। अपना ध्यान रखेंगे सभी। ओके बाय।